डियर फ्रेंड्स इस वक्त हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन और ये स्पेसिफिक है कि जिस वक्त हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा तो उससे पहले प्रेपोजिशन आएगी या नहीं आएगी जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उससे पहले प्रेपोजिशन आएगी या नहीं आएगी और अगर पहले नहीं आएगी तो फिर किस जगह पे आएगी लेट्स हैव अ अ लुक एट सेंटेंस दिस इज द बुक दैट यू वर लुकिंग फॉर अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास आ गया दैट हम ये नहीं कर सकते कि प्रेपोजिशन को दैट से पहले लिख दें दैट विल बी इनकरेक्ट वो इनकरेक्ट होगा इन दिस केस जब आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और प्रेपोजिशन उससे पहले लगानी पड़ रही है तो प्रेपोजिशन को उससे पहले नहीं लगाना दैट से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगानी तो वो प्रेपोजिशन कहां पर चली जाएगी वो रिलेटिव क्लॉज के आखिर में चली जाएगी यानी दैट वाली क्लॉज के आखिर में चली जाएगी दिस इज द बुक दैट यू वर लुकिंग फॉर दैट से पहले सादा सी बात है दैट से पहले जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आती और उससे पहले अगर आपने कोई प्रेपोजिशन देनी हो तो उसको वहां से उठा के दैट वाली क्लॉज यानी रिलेटिव क्लॉज के एंड पे ले जाते हैं See you in the next video.